हेलो दोस्तों, ये एलजी कंपनी का एक 21 इंची टीवी है। और दोस्तों, ये पार्टी का घर पर ही मैं रिपेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये टीवी पर लाइन देने के बाद इसका अंदर से टिक टिक आवाज़ निकलता है। तो दोस्तों, टिक टिक आवाज़ का ऊपर मेरे चैनल पर 2-3 वीडियो है। तो दोस्तों, ये भी वीडियो एक बार देख लीजिए। तो पीसीबी मैं ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, पीसीबी ओपन करके मैं देखा है कि इसका जो आउटपुट ट्रांजिस्टर ये शॉर्ट है। तो ठीक है, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर मैं चेंज करूँगा। और चेंज करने के बाद 2-3 स्टेप आपको यूज़ करना होगा। इसी के ऊपर ये वीडियो है, आप शुरू से लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों देखिए, ये मेरा पास एक नया ट्रांजिस्टर है कि D2499 का, ये एक आउटपुट ट्रांजिस्टर है। ये ट्रांजिस्टर मैं ये पीसीबी पर लगाऊंगा। और दोस्तों, ये लगाने के बाद आपको एक बार दिखाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा मैं कट कर दिया क्योंकि ये लॉन्ग ना हो जाए। अब देख सकते हो, ये जो 2499 का ट्रांजिस्टर मैं लगाया और इस पर जो ट्रांजिस्टर था 1803-1803 ट्रांजिस्टर था। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों देखिए, जो ये कॉइल का वायर है, ये आपको फर्स्ट ओपन करना होगा। ठीक है, ये जैक से आपको ओपन करना होगा न्यू ट्रांजिस्टर लगाने का बाद, क्योंकि ये कॉइल शॉर्ट होगा तो ये ट्रांजिस्टर फिर भी साथ साथ काट जाएगा। और दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर काट जाने का और एक भी रीज़न है कि ये ESC भी फॉल्ट हो सकता है। तो ठीक है, फर्स्ट ये ट्रांजिस्टर एक बार आपको लगाना ही होगा। और लगाने का बाद दोस्तों, और भी आपको क्लियर काट देता हूँ। मैं सेट पर एक बार लाइन देगा, लाइन दे के आपको दिखाऊंगा। उसका पहले मीटर को 200 DC रेंज पर मैं सिलेक्ट किया है। और दोस्तों, एक बात ये देखिए, ये 110 वाला लाइन है। और यहाँ से इस पर इंटरनली एक कॉइल है ESC का, और ये ट्रांजिस्टर पर सप्लाई दिया जाता है। तो दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर जब काट जाता है दोस्तों, इसका रीज़न होता है कि इसका पास एक 1600 वाला बूस्ट PF है, ये भी ख़राब हो सकता है। और दोस्तों, इस पर एक छोटा वाला PF है, ये शॉर्ट होने के लिए भी टिक टिक आवाज़ निकलता है, ये भी आपको एक बार देखना होगा। और दोस्तों, ये जो पॉजिटिव सप्लाई, ये आपको चेक करके देखा था, आप देख लीजिए। मैं ट्रांजिस्टर लगाया और ये वोल्टेज देखिए अप डाउन कर रहा है, और ये ESC ऑन ऑफ हो रहा है। दोस्तों देख लीजिए, मीटर पर फॉलो कीजिए, ये जो ESC सप्लाई वोल्टेज, ये अप डाउन कर रहा है और ESC ऑन ऑफ हो रहा है। तो दोस्तों, ये ESC प्रॉब्लम भी हो सकता है। और इसका जो पावर इंडिकेटर, ये भी अप डाउन कर रहा है। आपको क्लियर करके देखने की कोशिश करता हूँ। मैं मोबाइल लाइट को मैं ऑफ कर देता हूँ, मोबाइल कैमरे से ही ये मैं रिकॉर्ड किया रिकॉर्ड करता हूँ। दोस्तों देख लीजिए, ये थोड़ा सा पावर LED अप डाउन कर रहा है। तो एक्चुअली दोस्तों, ये प्रॉब्लम क्या लगता है, ESC का ही प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, इसलिए लॉन्ग टाइम लाइन दे के रखेगा तो इसका जो आउटपुट ट्रांजिस्टर ये फिर भी काट जाएगा। तो दोस्तों, ये पार्टी का घर पर ही मैं रिपेयर कर रहा हूँ, तो मेरा पास अभी ESC नहीं है। तो इसलिए PCB को आपको और भी क्लियर करके देखाऊंगा ESC चेंज करने के बाद। इसलिए PCB को मैं मेरा सर्विस सेंटर पर ले चलूँगा, और उसका बाद आपको और भी क्लियर करके देखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आप एक बार देख लीजिए, इसका जो ओरिजिनल ESC पर है, ये ESC का नंबर आपको दिखाता हूँ, 6002X का नंबर है। ये सेलोरा कंपनी का ESC है, LG चेसिस पर ही यूज़ किया है। तो दोस्तों, फाइनली ये PCB का ESC चेंज करने के लिए मेरा शॉप पर लेके आया। तो दोस्तों, एक बार आपको सीरीज 200, ये दोस्तों देखिए, ये 200 बल्ब है। ये लाइन मैं सीरीज लाइन करके रखा है। तो यहाँ से एक सीरीज लाइन दे के एक बार आपको टेस्ट करके देखा था क्या रिजल्ट आता है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख लीजिए, मीटर को 200 DC रेंज पर रख दिया है। और उसका बाद मीटर का जो नेगेटिव कॉर्ड, मैं ट्यूनर का पास ही दे देता हूँ, ट्यूनर का पास दे देता हूँ।
और ये देखिए, और उसका बाद एक बार वोल्टेज चेक करके देखूंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं सीरीज पर लाइन दे देता हूँ। तो दोस्तों मैं सीरीज पर लाइन दे दिया और आप फॉलो कीजिए, इसका जो पावर जो सीरीज लैम्प ये ब्लिंक कर रहा है। और दोस्तों इसका जो पावर इंडिकेटर आप देख सकते हो, पहले ही आपको देखा है दोस्तों, देखिए पावर इंडिकेटर भी ब्लिंक कर रहा है। और दोस्तों इसका जो 110 वोल्ट सप्लाई ये भी ब्लिंक अप डाउन कर रहा था। तो दोस्तों आप देख लीजिए, मीटर पर फॉलो कीजिए, ये ESD सप्लाई अप डाउन कर रहा है। तो दोस्तों इसलिए मैं आइडेंटिफाई किया कि इसका ESD प्रॉब्लम है। तो दोस्तों लॉन्ग टाइम इसका सप्लाई देख के रखने के बाद इसका जो BU होता है, जो पावर आउटपुट जो ट्रांजिस्टर होता है वो काट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका अब PCB को उल्टा कर एक बार देखा देता हूँ। आप देख लीजिए, इसका जो ओरिजिनल जो ESD था पहले से आपको दिखाया, अब देख लीजिए। और इसका जो आउटपुट ट्रांजिस्टर यह अभी जल्दी हीट हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका ये कॉइल में ओपन करके ही लाइन दे दिया। तो ESD फाइनली चेंज करने का बाद आपको एक बार सप्लाई देके देखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं एक नया ESD लेके आया, आप देख सकते हो मेरा पास एक नया ESD है, ये सेम सेलोरा कंपनी जैसे ESD। इसका जो नंबर है 6174V6002X। ठीक है दोस्तों, ये सेम नंबर ESD में लेके आया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों फाइनली इसका ESD मैं ये लगा दिया है, और ये जो पुराना वाला ESD था ये मैं चेंज किया। और उसका बाद एक बार लाइन देके देखूंगा और आपको दिखाऊंगा। इसलिए दोस्तों इसका जो बेस बोर्ड ये थोड़ा सा दूर रखना होगा, और इसका जो ESD का जो फाइनल लाइन वोट ये थोड़ा सा दूर रखना होगा। और उसका बाद आपको PCB पर लाइन देके दिखाऊंगा, और मैं सीरीज लाइन देख ही दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, और मीटर को आप फॉलो कीजिए, मैं 200 DC रेंज पर रख दिया है। और मीटर का जो नेगेटिव कॉर्ड ये मैं नेगेटिव के साथ कनेक्शन कर देता हूँ, ये ट्यूनर का पास ही कनेक्शन कर देता हूँ। तो आइए उसका बाद मैं ट्यूब पर लाइन देता हूँ। दोस्तों ट्यूब पर मैं लाइन दे दिया है, अब देख सकते हो इसका जो पावर इंडिकेटर ये बिल्कुल ओके जल रहा है और अप डाउन नहीं कर रहा है। और जो 200 बल्ब में सीरीज लाइन देके लाइन दिया है ये भी बिल्कुल ओके है। और उसका बाद आपको एक बार वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ, ये ESD सप्लाई है, और देखिए इसका जो ESD सप्लाई ये 110 वोल्ट का लाइन या 113 वोल्ट ये ओके है। और पहले जो अप डाउन कर रहा था तो ये ओके हो गया है। इसका बाद आपको देखा देता हूँ कि ये 180 वोल्ट का जो लाइन, दोस्तों ये LG PCB से 200 वोल्ट आउटपुट होता है। दोस्तों अभी देख सकते हो ये 146 वोल्ट अभी आउटपुट हो रहा है। तो दोस्तों ये PCB का जो सिस्टम है ये टोटली योक कॉइल और पिक्चर ट्यूब पर लगाने का बाद ये पिन से 195 वोल्ट और 200 वोल्ट का आसपास आउटपुट होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक्चुअली वोल्टेज ओके देखा जाता है। तो आपको फाइनली एक बार पिक्चर ट्यूब पर लगाने का बाद ही एक बार दिखाऊंगा। तो दोस्तों फाइनली ये PCB को मैं कनेक्शन कर दिया पिक्चर ट्यूब पर, और उसका बाद आपको एक बार सेट पर लाइन दे के TV ऑन करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप मेरा साथ लॉन्ग डिस्कस करना चाहता हो तो आप फेसबुक पेज पर आ सकते हो, मेरा फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है। और दोस्तों CRT TV का इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ भी प्रॉब्लम आप डिस्कस करना चाहते हो तो आप फेसबुक पेज पर आ सकते हो। और दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपको थैंक यू देता हूँ।